नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है लोअर पीसीएस का, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इसी कट ऑफ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे यूट्यूब पर ऑलरेडी कट ऑफ को लेकर वीडियोज़ भी बनाए जा चुके हैं और बहुत सारी जानकारी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ फैक्टर्स को लेकर। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा पेपर का पैटर्न था, पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो कैसा था। तो दोस्तों, अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर को हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। पेपर जो हमारा था ये इजी टू मॉडरेट था, ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही इजी था और ये नहीं कह सकता कि टफ था, बीच में था, यानी कि इजी टू मॉडरेट की तरफ था। कुछ चीज़ें इसमें, कुछ क्वेश्चन ये तो थोड़ा सा अच्छे थे और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो कॉमन क्वेश्चंस थे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और कुछ शिफ्ट में कुछ चीज़ें हार्ड आई हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी शिफ्ट यहाँ पर हार्ड है तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर काफ़ी एब्सेंट भी रहे हैं स्टूडेंट, लगभग 50% के आसपास स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं, 50% ही यहाँ पर प्रेजेंट रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर में। तो दोस्तों, इससे कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट रहे हैं वो पढ़ाई को लेकर सीरियस है और इसीलिए उन्होंने अपनी प्रेजेंटी दी। और जो यहाँ पर जो एब्सेंट रहे हैं, उनके एब्सेंट रहने का रीज़न ये रहा कि सबसे पहली बात तो ये रहा कि जो सेंटर्स हमारे एग्ज़ाम्स के दिए गए वो आउट ऑफ स्टेशन दिए गए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर नहीं गए और मतलब एग्ज़ाम को ड्रॉप किया। लेकिन वो ऐसे लोग थे जो एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं थे, उन्हीं लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन जो एग्ज़ाम्स को लेकर सीरियस थे, जो इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सीरियस थे, जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी, उन सभी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को अटेंड किया है। तो इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा फैक्टर वर्क यहाँ पर नहीं करेगा कि आपका जो प्रेजेंटी कम होने की वजह से कट ऑफ कम जा सकता है, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट थे फाइट उन्हीं के पास रहती है और जितने भी सीरियस स्टूडेंट थे उन सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर इसमें 150 क्वेश्चंस थे और 300 मार्क्स के थे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको मैं मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी यहाँ पर जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो कट ऑफ है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, इस कैटेगरी की जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी कट ऑफ है ये आपकी 190 से लेकर 200 के पास रह सकती है। जी हाँ, ये नेगेटिव मार्किंग करने के बाद के मार्क्स हैं। अगर आप नेगेटिव मार्किंग करने के बाद आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि आपके 100 क्वेश्चंस के आसपास सही हो रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि 195 प्लस माइनस 5 बोल सकते हैं आप, अगर इतने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, 190 से 200 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर कट ऑफ में आ सकते हैं, यानी कि आपके यहाँ पर प्री निकलने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर प्री में काफ़ी लोगों को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा, तो इसलिए आपके चांसेस काफ़ी अच्छे यहाँ पर बनते हैं। और बहुत लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं वीडियो के रिज़ल्ट से, तो दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो के रिज़ल्ट में आपको बताना चाहूँगा कि उसकी जो कट ऑफ थी 211 जनरल कैटेगरी की थी, लेकिन उसमें कई सारे फैक्टर्स थे, क्योंकि सबसे पहले वो एक सिंगल एग्ज़ाम था, उस पर और कोई एग्ज़ाम नहीं होना था। तो जो 1953 वैकेंसी थी, लगभग उतने ही लोगों को, 2000 के आसपास ही लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इसलिए उसकी कट ऑफ हाई होना जायज़ सी बात थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टफ कंपटीशन था, काफ़ी लोग एग्ज़ाम, लगभग 19 लाख लोग यहाँ पर लोगों ने अप्लाई किया था, लगभग 14 लाख लोग यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठे थे। लेकिन यहाँ पर ये संख्या कुछ चेंज है, यहाँ पर लगभग 5 से 6 लाख लोग यहाँ पर एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, और साथ में यहाँ पर जो आपका वैकेंसी है 672 वैकेंसी है, 672 पोस्ट है, और इसके लगभग 20 टाइम, हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि 20,000 लोग लिए जाएंगे, ऐसा वहाँ पर दिया है नोटिफिकेशन में, लेकिन आप अगर 20 टाइम्स भी रखते हैं, लोग 12-13 हज़ार लोग तो यहाँ पर लिए ही जाएंगे। तो अगर 12-13 हज़ार लोग यहाँ पर लिए जाने हैं और वहाँ पर लिए जाने थे 2,000 लोग, तो इसमें तो डिफरेंसेस जैसी बात रहेंगे। और अगर लोग कहते हैं कि बीएड का पेपर, उसका जो वीडियो का पेपर था वो काफ़ी टफ था, तो ऐसा नहीं है, इसी तरह का वो भी पेपर था, हिंदी उसकी काफ़ी ईजी थी और उसमें 50 क्वेश्चंस में काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा हिंदी में स्कोर किया था। रीजनिंग थोड़ा उसकी लेंदी थी, तो रीजनिंग यहाँ पर भी बहुत ईजी नहीं थी, इसमें भी थोड़ा सा लेंदी थी। और तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो मैंने जो बताया कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, ये आपका मैंने बताया कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 190 से लेकर 200 के आसपास रह सकता है। तो जिनके इस अंडर में मार्क्स आ रहे हैं वो लोग अपनी प्रिपरेशन को सेकेंड स्टेज के लिए
स्टेज के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ओबीसी की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो ओबीसी की जो कट ऑफ है ये आपकी 185 से लेकर 195 के बीच में रह सकती है। जी हाँ, 185 से लेकर 195 के बीच में आपकी ओबीसी की जो कट ऑफ है ये रह सकती है। ये सारी नेगेटिव मार्किंग करने के बाद के मार्क्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और अगर हम बात करते हैं एससी की, तो एससी जो कैटेगरी है इसकी जो कट ऑफ है आपकी ये आप कह सकते हैं 180 से लेकर 190 के बीच में आपकी रह सकती है। 180 से 190 के बीच में आपकी ओबीसी की जो कट ऑफ है चीज रह सकती है, ठीक है। और साथ में अगर यहाँ पर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर ये जो है ये 170 से लेकर 180 के बीच में आपकी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्शंस है। दोस्तों ये कट ऑफ प्रेडिक्शंस है सिर्फ हमारा एक अनुमान है। अगर आप इस प्रेडिक्शन से सहमत नहीं हैं या आप इसे डिसएग्री करते हैं तो आप अपने सजेशन हमें बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ज़रूर रहेगी कि यहाँ पर कोई भी किसी तरह के वल्गर कमेंट नहीं करेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर वीडियो। और दोस्तों यहाँ पर मैं प्लान कर रहा हूँ आपका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जो नोटिफिकेशन आई हुई हैं तो उससे संबंधित मैं प्रिपरेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर जीएस और इंग्लिश की प्रिपरेशन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर करवाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसकी भी क्लासेस जल्द मैं स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।